ये कंप्यूटर की सीरीज चला रखी थी, इसके कंप्यूटर के पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। देखें, इससे पहले हम इसमें 5 पार्ट कवर कर चुके हैं, तो ये मान लें स्टैटिक जीके से संबंधित अगर कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन आता तो कंप्यूटर का, तो आपका वो लग जाएगा। जितना भी स्टैटिक से आता, अगर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं, और तो ये लगभग टोटल 6 पार्ट होंगे जो आप एक बार पढ़ें। तो अगर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 4 या 5 तो ये स्टैटिक्स टाइप होते हैं, तो आप लगा सकते हैं आराम से। तो चलते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो आप बताएंगे 4। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 होते हैं। नेक्स्ट, किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं एडिटिंग। किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे एडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। नेक्स्ट, क्वर्टी शब्द किससे जुड़ा है, तो आप बताएंगे कीबोर्ड से जुड़ा है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है, तो आप बताएंगे फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। कैसा है ये, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे स्पेस बार का किया जाता है। नेक्स्ट, स्क्रॉल बार कितनी तरह की होती है, तो आप बताएंगे दो तरह की होती है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सभी जानते हैं डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 10 की तरफ। देखिए 10 में क्या कहा गया है, 9 में एमएस ऑफिस किस कंपनी ने बनाया, तो आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं, जो आप माउस से करते हैं उसको कर्सर बोलते हैं। किसी वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहा जाता है। किसी प्रोसेस का उपयोग खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन के लिए करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट, बाइनरी अंकों में शून्य का क्या अर्थ होता है, तो आप बताएंगे ऑफ होता है। और बाइनरी अंकों में 1 का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे ऑन करना होता है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में देखिए क्या कहा गया आपसे, डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है, तो आप बताएंगे फाइल एलोकेशन टेबल करती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्ट की क्या कहलाती है, तो कंट्रोल प्लस पी कहलाती है। कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है, तो आप बताएंगे सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होता है, तो आप बताएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस होता है, तो आप बताएंगे एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैम भी पूछने लगे किस तरह का डिवाइस होता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन किस तरह की डिवाइस होती है, तो ये भी बताएंगे आप एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस तरह का डिवाइस होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। फ्लोटर पूछने लगे किस तरीके का डिवाइस है, बहुत बार पूछा गया, तो आप बताएंगे आउटपुट डिवाइस है एक। नेक्स्ट, कंप्यूटर में DSL किसका उदाहरण है, तो बताएंगे ब्रॉडबैंड का है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 25 की तरफ। 25 में क्या कहा गया आपसे, कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन सा इनपुट डिवाइस प्रदान करता है, तो आप बताएंगे स्कैनर करता है। कंप्यूटर में कौन सी फंक्शन की वर्तमान में विंडो को रिस्पेस करती है, तो आप बताएंगे F5 करती है। डिजिटल वीडियो मुख्यतः क्या करती है, तो आप बताएंगे फ्रेम्स की श्रृंखला करती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थिर और केवल एक ही बार लिखा जाता है, तो आप बताएंगे प्रोम होता है। कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, तो आप बताएंगे एक इंटरनेट सर्विस ही है। कंप्यूटर में कंपाइलर का क्या अर्थ होता है, तो बताएंगे हाई लैंग्वेज मशीन, जो लैंग्वेज को बदलने में काम आता है। नेक्स्ट, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का किया जाता है। नेक्स्ट, DMS का फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या कहलाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो बताएंगे .xls होता है। डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है, तो बताएंगे बाइनरी नंबर का सिस्टम होता है। पिक्चर साउंड और वीडियो को बनी आउटपुट को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे मल्टीमीडिया कहा जाता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो आप बताएंगे एक आर्टिफिशियल है, कृत्रिमय। बैंकिंग रेलवे में किस तरह के कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे मेन फ्रेम्स का। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आप बताएंगे एक आयरन ऑक्साइड की होती है इस पर। नेक्स्ट, मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलना किसका उपयोग करते हैं, तो बताएंगे OCR का करते हैं।
CISC की फुल फॉर्म पूछने लगे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। LCD की सभी जानते होंगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद LED की पूछने लगेगा तो लाइट एडिटिंग डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले कहलाता है। डिस्क को, ट्रैक और सेंटरों को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भाग के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है, तो बताएंगे कंट्रोल यूनिट। डेस्कटॉप पर दिखने वाले माउस प्रिंटर और किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे एरो प्रिंटर के नाम से। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, तो बताएंगे मॉडम। IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो बताएंगे 32 बिट होते हैं। क्राई किस तरीके का कंप्यूटर होता है, तो एक ये सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है उसको क्या कहते हैं, तो बताएंगे माइक्रोचिप कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखें बेसिक, तो बिगनर ऑल प्रोसेस सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, बिगनर ऑल प्रोसेस सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। BEDO की पूछने लगे, ब्रस्ट एक्सटेंड डाटा आउट। BIU की पूछने लगे तो बस इंटरफेस यूनिट। CDR की पूछने लगे तो बताएंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल हो जाएगा। CD-ROM की पूछने लगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। कॉक्स की पूछने लगे तो बताएंगे कॉक्सियल केबल हो जाएगी। नेक्स्ट CDRW की पूछने लगे कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल हो जाएगी। CUI की पूछने लगे तो बताएंगे करेक्टर यूज़र इंटरफेस हो जाएगा। DAC की पूछने लगे डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल हो जाएगी। DVR की पूछने लगे आपसे तो बताएंगे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर हो जाएगा।